प्रेगनेंसी में ना हो अनीमिया की शिकायत, इसीलिए आपको डाइट में करनी चाहिए ये चीजें शामिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। खून में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाए तो अनीमिया हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में आयरन ना मिलने पर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। गर्भावस्था में आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया सबसे आम है। खून में पर्याप्त हीमोग्लोबिन ना होने से शरीर को सामान्य से कम ऑक्सीजन मिलता है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए सही नहीं है। भारतीय महिलाओं में आयरन की कमी वाला अनीमिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। बहुत सी महिलाओं में गर्भवती होने से पहले ही आयरन की कमी होती है। रिसर्च बताती है कि भारत में 10 में से 6 प्रेग्नेंट महिलाओं में अनीमिया है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य से अधिक आयरन की जरूरत होती है ताकि बढ़ते बच्चे के लिए शरीर में खून बनता रहे। ज्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोलियां खाती हैं। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त रूप से 760 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। इसके लिए चिकन, मछली, अच्छी तरह से पका हुआ अंडा, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा और अनाज आयरन के अच्छे स्रोत हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन से भरपूर सब्जियां जैसे कि हरी गोभी, टमाटर, मशरूम, चुकंदर, कद्दू, शकरकंदी, सिंगफली और कमल ककड़ी जरूर खानी चाहिए। इससे उनको आयरन की आपूर्ति मिलती है और उनके शरीर में अनीमिया कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो थी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।